हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब संगीत के चाहने वालों। मैं आपको इस गाने में बताऊंगा कि किस रिदम को उपयोग किया गया है। विशेषतः इस गाने में दो तरह के रिदम उपयोग किए गए हैं, पहला तो चंग और दूसरा बॉलीवुड पर्क्यूशन बोलते हैं हम उसे। और इस पैच में जो रिदम उपयोग किया गया है, रिदम में जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए गए हैं, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप कृपया अगर पूरा वीडियो देखें, और बहुत आसान है इस गाने को बजाना, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ इस गाने में किन किन पैच का उपयोग किया गया। सबसे पहले तो आता है चंग फर्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस गाने में बजाने के लिए। और इसमें किन किन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो ये है चंग पैच, शायद इसे डब भी बोलते हैं। और आपको जानकारी ये भी होगी कि SPD-30 जो है डबल लेयर पे चलता है। इसमें डबल लेयर ए और बी में बताता हूँ क्या क्या उपयोग किया गया है। यह फर्स्ट चंग, तो नीचे से फर्स्ट पे जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, और इसमें लगा हुआ है 0/22 चिमटा, नोट कर लीजिए आप 0/22 चिमटा फर्स्ट में। और सेकंड में लगा है
जीरो थर्टी सेलिंग बेल्स। और इसमें बी में क्या लगा हुआ मैं बता रहा हूँ, और सेकेंड लेयर मतलब बी में लगा हुआ है PC1 119 तंबूर लाइन, PC1 119 तंबूर लाइन 2। ओके, हम जाते हैं तीसरे पे। तीसरे पे लगा है 097 ड्यूराटेक ए में, फर्स्ट लेयर में। सेकेंड में लगा है PC3 032 अपैच, PC3 032 अपैच। और लास्ट में लगा हुआ है फर्स्ट लेयर में PC1 005 टिम्बल एंड टिम्बल। और सेकेंड लेयर में लगा हुआ है PC1 160 वुड ड्रम। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से फर्स्ट में हम चलते हैं तो इसमें PC2 033 थ्री चाइम, और सेकेंड में लगा हुआ है CYM 002 16 10, CYM 006010। इसकी फर्स्ट लेयर में है PC1 163 163 फोर ड्रम बॉटम। ओके, सेकेंड लेयर पे लगा हुआ है HH009 78HH। ओके क्लियर। इसमें लगा हुआ है फर्स्ट लेयर पे PC3 032 अफेच। ओके, सेकेंड लेयर पे है PC1 002 कांगा उपयोग किया गया है। ओके, लास्ट में हम आते हैं, इसमें फर्स्ट लेयर पे PC1 002 कांगा, सेकेंड लेयर पे है HH 010 808 HH। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी है वीडियो।